हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपने गाना सुना होगा सलमान खान का था कि स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। तो अमित शाह जी आ रहे हैं तो नो डाउट स्वैग बिखरा पड़ा है। और आपको बता दें हम कहाँ खड़े हैं। हम कितना भी कहते हैं कि शहर की इमेज को प्रशासन नेता वेता सब लोग बट्टा लगाने पर लगे हैं, क्योंकि क्यों इमेज हम बता दें। उधर आपका दिल्ली पड़ता है, मुश्किल से मुश्किल दिल्ली यहाँ से आया, मुश्किल से मुश्किल बता रहा हूँ, जहाँ सर 200-300 मीटर दूर दिल्ली की सीमा रेखा शुरू हो जाती है, दिल्ली के इलाके शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ जैसे ही हाईवे पे गुजरते हो, इस खूबसूरत हाईवे पे जिसे कहते हैं कि लाजवाब दिलचस्प, कहते हैं कि चकाचक टनाटन, जिस लैंग्वेज में आप समझा आज उस लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि ये वो हाईवे है। चलते रहिए, थोड़ा चलते रहिए, इस हाईवे पे हम चलते हैं क्योंकि हाईवे की जो शुरुआत साइड में देख रहे हैं, इस हाईवे पे दाएं बाएं भी दिखाते रहे, इस हाईवे को हम जब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस हाईवे की बात कर रहे हैं क्योंकि अमित शाह जी आ रहे हैं जन उत्थान रैली को कवर करने के लिए। मतलब जनता का उत्थान हो सके, विकास की वजह से उत्थान हो सके, मतलब जितना विकास शहर में होता रहे उसका उत्थान हो सके, उसको दिखा सके। देखिए उत्थान और विकास ही विकास हो रहा है। मतलब परेशानी इस बात की आ रही है कि मैं दरअसल वो चीज दिखा सकूं कि चाहे आप लेफ्ट ले लो चाहे राइट ले लो, अंदाजा लगा के चलिए ये यार्ड बना रखा है इको ग्रीन ने। इको ग्रीन ने जिस तरीके से यार्ड बना रखा है, ये अंदाजा लगा के चलिए पूरा वहां तक जो आप शेड देख रहे हैं, वो शेड वो आगे दिखाओ, वो शेड जितना आप देख रहे हैं ऑरेंज में और व्हाइट कलर में शेड है, वो पूरा शेड उसको अंदर कूड़ा रखने के लिए है। मतलब वहीं से सब कुछ होगा, इसकी बाउंड्री तक बना रखी है पीछे, लेकिन पूरा का पूरा घेर के वहां तक घेर रखा है, लंबा चौड़ा एरिया। मतलब कम से कम रोड पर ही कूड़ा फेंक दिया जाता है, अंदाजा लगा के चलिए हालात इतने बद से बदतर हैं। हम तो कहते हैं कि भैया इतना दिखावा कर रहे हो, सूरज कुंड रास्ते के आसपास का 17 सेक्टर ओड के आसपास पूरा बैनर से पाट दिया पूरा एरिया, आपको बता दूं 12 सेक्टर का एरिया पूरी तरीके से स्वागत में पाट दिया है। ग्रेटर फैदाबाद पूरी तरीके से अमित शाह जी के स्वागत में पाट दिया, छोटे से लेके बड़ा नेता हर आदमी अमित शाह जी का स्वागत करने को तैयार है, आतुर है। समझिए इतना भयानक है, इतना तरीके से आतुर है कि आज ही उन्हें टिकट मिल जाएगी और आज ही मंत्री बन जाएंगे, आज ही विधायक बन जाएंगे, आज ही सब कुछ बन जाएंगे, इतना स्वागत करने में लगा है। मतलब चमचागिरी की हद होती है, इतना चमचागिरी करने के चक्कर में लगे पड़े हैं अपने छोटा नेता बड़े में, बड़ा नेता बड़े में, बड़ा नेता अमित शाह जी तक पहुंचने में, पर ये नहीं देखते कि जनता जिसने जिस नेताओं को बनाया है, जिस छोटे छोटे नेताओं को बड़ा किया है, खड़ा किया है, आज उसकी हालत किस तरीके बद से बदतर है। यही सब बता दूं, यही रोड फेंक दिया जाएगा क्योंकि ये हो सकता है, हम कहते थे दादालाई प्रॉपर्टी, हो सकता है इको ग्रीन की दादालाई प्रॉपर्टी हो। हाईवे तो बस नाम का है, जनता फालतू में बीच में से निकल रही है, हो सकता है कि जनता तो शायद दादालाई प्रॉपर्टी के बीच में से हम भी शायद प्रॉपर्टी दादालाई प्रॉपर्टी होगी, उस बीच में हम खबर कर रहे हैं। अब निकल ये कर रहे हैं, अंदाजा लगा के चलिए जिस तरीके से हालात है, आइए रोड पर फेंक देते हैं हालात। अमित शाह जी आ रहे हैं, अमित शाह जी का स्वागत इतना अच्छे तरीके से करते हैं, स्वैग से करिए, बड़ा दमदार तरीके से दिखाइए कि हम स्मार्ट सिटी में जी रहे हैं। लोग बोर्ड लगाने बिजी हैं, दिवाली की विशेष इतनी आपको नहीं मिलेगी, आपको बता दूं फैदाबाद शहर में दिवाली की विशेष, कल ही दिवाली थी, कल दिवाली निकली है। सोचिए दिवाली पर शहर को अपने घर को साफ करने की कवायद शुरू की जाती है, हर आदमी अपने घर को साफ करता है, कूड़ा कचरा घर से बाहर निकालता है, फैदाबाद का कूड़ा कचरा को भी साफ करने की आवश्यकता थी। और खासकर उस रोड पर जहां से फैदाबाद की इमेज जुड़ी हुई है, यहाँ से फैदाबाद के तमाम शहर के बड़े बड़े लोग यहाँ से निकलते हैं, इधर ही नहर पार करके नोएडा की तरफ निकल जाते हैं, वहाँ से अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश की तरफ जो लोग मुड़ रहे हैं, ये देखिए मुड़ रहे हैं जो ये सब गाड़ी जो उधर मुड़ रही है, वहाँ से लोग मुड़ के नोएडा की तरफ निकल जाते हैं। तो अंदाजा लगा के चलिए शहर की इमेज को किस तरीके से मट्टी पलीत करने में लगे कर रहे हैं फैदाबाद प्रशासन। और फैदाबाद प्रशासन को तो ऑस्कर या ऐसा अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए कि खूबसूरती का जो बयान करते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि फैदाबाद दर बर दर डाउन होता जा रहा है स्वच्छता के नाते, तो ये इसी वजह से क्योंकि फैदाबाद का प्रशासन है वो इस तरीके से आपको तो लाचार हो चुका है। आपको बता दूं उसे सिर्फ फाइलों में नजर आता है फैदाबाद का, लोगों से जानेंगे कि किस तरीके से कवायद शुरू की जा रही है कि अमित शाह जी आ रहे हैं तो उनका स्वागत क्या स्वैग से हम करें, रोक के पूछेंगे लोगों से, कोशिश करते हैं। आइए भाई एक मिनट, ऑटो वाले में अच्छा एक बात बताइए भाई जी एक मिनट, अरे भाई तो निकलती बोलिए, हाँ लोगों को जानने की कोशिश करते हैं, एक मिनट जी एक मिनट रोकोगे भाई, क्या कहना चाहेंगे भाई जी। अमित शाह जी आ रहे हैं फैदाबाद में और जनता कह रहे हैं कि जन उत्थान, मतलब जनता का विकास दिखाने के लिए, जनता के विकास के लिए आ रहे हैं, कुछ बहुत कुछ नया करके जाएंगे, लेकिन क्या लगता है इसी स्वैग से हैं? आप भी बोलिए क्या करें, पूरा का पूरा दिख रहा है। अच्छा लगता है कि फैदाबाद का विकास दिखाने के लिए, उत्थान करने के लिए आप सब कब आ रहे हैं, मैं तो ये भी नहीं बता, 27 को आ रहे हैं, 3 दिन बाद तब तक तो ये खाली कर दवा देंगे, कर देंगे हाँ, तो लगता नहीं है नहीं सर ये यहाँ नहीं आ रहे, वैसे 12 सेक्टर में आ रहे हैं,
नहीं तब मुश्किल है, तब मुश्किल है, ये है जनता की राय, तब मुश्किल है भैया। एक मत रोकोगे, कोशिश करते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि जहाँ नेताजी गुजरेंगे वहीं से साफ किया जा सकता है। आप पूछते हैं गौरव से, भाई साहब एक मिनट रोकोगे? हाँ, किसी से पूछते हैं, जनता की चलती हुई राय पूछूंगा, क्योंकि कोई आदमी ऑटो एक मिनट रोकेगा भाई, दोस्त क्या कहना चाहेंगे भाई? अमित शाह जी आ रहे हैं और पता चला हाई प्रोफाइल आप सबका उत्थान करने के लिए, जनता का उद्धार करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ये कूड़ा उड़ा रोड रास्ते क्या कहेंगे? कूड़ा सर यहाँ बहुत ज्यादा है, गंदगी रहती है, जाम लगा रहता है, शाम के टाइम बड़ी दिक्कत हो जाती है निकलने में। अच्छा, तो लग रहा है कि शहर का विकास उत्थान हो रहा है? अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा, पर कूड़ा अमित शाह जी यहाँ से अगर गुजर नहीं रहे, इसलिए ऐसे हालात है, अगर गुजरते तो मतलब आप जानते हो अमित शाह जी कौन है? नहीं, ये तो भाई बहुत ही भयानक आदमी है, अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री जी हैं यार, ये तो भयानक आदमी हमारे, ये तो भयानक है, ये तो बाउंडर हो गया यार, कैसे हो गया, अमित शाह जी को नहीं पहचानते यार, ये तो बाउंडर ही कर दिया लोगों ने। एनीवे भाई से पूछते हैं, भाई एक मिनट इधर आओ, क्या अमित शाह, अच्छा अमित शाह को जानते हो? अमित शाह जी कौन है? अपने वो है, क्या वो अमित शाह सीएम साहब? नहीं नहीं, वो तो खट्टर साहब है सीएम, तो कौन है हमारे प्रधानमंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र, रक्षा मंत्री? हाँ जी, रक्षा मंत्री, मतलब गृह मंत्री जी को रक्षा मंत्री बता दिया। अच्छा, एनीवे चलिए, अमित शाह जी आ रहे फैदाबाद में, क्या कहना चाहेंगे? स्वागत से करोगे स्वागत? जी ये तो बहुत गंद मचा रखी है इन्होंने, यहाँ पे इसे क्लीन करना चाहिए। जी हम भी यहाँ पे ही रहते हैं इधर पीछे। अच्छा, तो इसे क्लीन करना चाहिए, हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं, कम से कम यहाँ से नहीं गुजरेंगे, टेंशन नहीं, यहाँ से नहीं गुजरेंगे। ओहो, भाई को टेंशन होगी, यहाँ से नहीं गुजरेंगे। स्मेल भी आती है, जब आना जाना करते हैं तो बहुत गंदी स्मेल आती है, यहाँ से गुजरते तो अच्छा होता है, अच्छा नहीं होता, बहुत बुरा लगता है। हमारे रिश्तेदार आते कहते जी आप कहाँ गंद में रह रहे हो। रक्षा मंत्री जी आना चाहिए, बिल्कुल जी आना, रक्षा मंत्री जी, वैसे अमित शाह जी को रक्षा मंत्री बता रहे थे, ये सोचिए तो बाउंडर भी हो रहा है कि गृह मंत्री जी को जानते नहीं। आज हम यही कोशिश करेंगे स्टोरी कि अमित शाह जी आ रहे हैं तो आप बताइए क्या लोगों को पता है अमित शाह जी कौन है, पर हो सकता है कि हमारे मीडिया साथी इस कॉपी ना कर ले स्टोरी को। देखेंगे, कोशिश करते हैं। अब भैया एक मिनट रोकोगे? रोको, आओ ना, रोको, ऑटो वाले से पूछते हैं, आओ पूछते हैं। अरे एक बात आओ भैया, भैया छोटे उधर किसक ना, अभी शहर में पता है आपको, अभी शहर में, अरे अभी आपको पता है शहर में कौन आ रहा है? नहीं हमें तो नहीं। अमित शाह जी को जानते हो? अमित शाह जी को जानते हो? जानते हैं। कौन है? कौन है अमित शाह जी? हाँ, वो तो प्रधानमंत्री, गुजरात के प्रधानमंत्री है। अच्छा, गुजरात के प्रधानमंत्री हैं, बहुत बढ़िया, बवंडर करोगे आप तो यार देश का। अच्छा एक बात हो, वो हमारे गृह मंत्री हैं वैसे देश के, लेकिन आप अमित शाह जी आ रहे हैं फैदाबाद में, आ रहे हैं 27 तारीख, क्या कहोगे इस तरीके के हालात देखे? कूड़े ऐसी रहती है कंडीशन, इस हालात देख के क्या कहे? अच्छा, इस हालात देख के तो और लग रहा है कि गंदगी और गंदगी में है, और गंदगी में है भाई ने तो हमें। अच्छा एक बात बताओ भाई जी, अमित शाह जी को जानते हो? कौन है? अमित शाह जानते हैं। कौन है वो? हमारे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री भी नहीं है। अच्छा, गुजरात के मुख्यमंत्री? नहीं। यूपी के? नहीं। तो कौन है बताओ सी? मुझे ये नहीं याद आ अच्छा, रहा कोई तो है, है? अच्छा कब आ रहे हैं फैदाबाद में? वो गृह मंत्री है मेरे ख्याल से। बहुत बढ़िया, चलो विजेता हो, लेकिन कब आ रहे हैं यहाँ पे? चलिए एनीवे 27 तारीख को आ रहे हैं, आपको लगता है कि 27 तारीख को आ रहे हैं, इस तरीके स्वागत करोगे फैदाबाद में उनका? भाई साहब यहाँ का बहुत बुरा हाल है, यहाँ सुनिए सरकार ने स्वागत, क्या कह रहे हैं? स्वागत मैं करूँ? मैं करूँ स्वागत? काम किसका है? अरे भीड़ तो इकट्ठी करने के लिए जनता को ले जाया नहीं, आवाज तो जनता ने उठानी है, ये मैं आपकी बात मानता हूँ। कितनी बार आवाज उठाए? कितनी बार? बिल्लू पहलवान ने 6 बार के सामने उठा ली, आपने 6 बार रिपोर्टिंग कर ली, आपको मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है, आपको मैं इतना फॉलो करता हूँ। कितनी बार तो आवाज उठ गई, कितनी बार करना ये? हम तो बेशरम, हम तो द्वारा दिखाएंगे, है हम तो काम हम दिखाते रहेंगे, हम भी बेशरम है, हम भी आपके थ्रू बार बार अप्रोच करेंगे। कोई नेता कुछ कर नहीं सकता भाई साहब, एक काम यहाँ का कोई नेता नहीं काम होता, पहले तो आपने हक जमा के कर लिया, अब हाथ जोड़ के और गिड़गिड़ा के कर लूंगा, देखना क्या पता उस चीज का फायदा हो जाए। यहाँ पे जितना भी नेता है, आप सेहतपुर में जाके देखो इतना बुरा हाल है, आज से नहीं, मैं 2003 से रह रहा हूँ। अच्छा, अभी की बात करिए, अभी की बात करिए, अभी। अच्छा एक बात सुनो, अरे छो, जानते हो अमित शाह को? जानते हो? कौन अमित शाह? शब्दों की मर्यादा रखो, बॉस कौन है? सब बर्बादी कर रखी है उन्होंने, क्या रो रहे हैं बताओ, जाम लगता है रात को, क्या कौन अमित शाह? हमें क्या पता कौन है भाई, तो बवंडर कर देंगे। अमित शाह को नहीं जानते हो? क्या मतलब अमित शाह हो गया भाई, गजब ही हो गया। तो अमित शाह को जानते हो? हाँ जी। कौन है? गृह मंत्री। अरे गजब। अच्छा एक बात हो,
यहाँ से गुजरे हैं, यहाँ से अमित शाह जी फैदाबाद आ रहे हैं, आपको पता कभी? नहीं, उस बार मथुरा रोड से जा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ से आते तो? यहाँ से आते तो बवाल होता है। बवाल ही हो जाता है, साफ हो जाता है। पता अंदाजा लगा के चलिए लोगों को, हम देश में रह रहे हैं ये कन्फर्म है। नगर निगम उधर एक्टिव है, उधर साफ सफाई ज्यादा हुई है। मुखड़ा निकाल के बोलो। हाँ, बताओ बताओ। नगर निगम उधर एक्टिव है, ज्यादा साफ सफाई। इधर तो फालतू का, इधर तो ऐसे ही है, हमसा जैसे लोग ऐसी जनता रहती है। हाँ जी, ये देखो अंदाजा लगा के चलिए। तो ये बार बार जनता की वो राय है कि जिस तरीके से फैदाबाद की इमेज का बट्टा फैदाबाद प्रशासन लगाएगा, तो आप सोच रहे हैं कि क्या हमारा काम नहीं है कि हम खबर ना दिखाएं? हमें खबर दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से इमेज खराब हो रही है। गृह मंत्री जी आ रहे हैं, आपका स्वागत है, हम भी तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं, नो डाउट। लेकिन गृह मंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ रिक्वेस्ट है, फैदाबाद शहर में कुछ ऐसी अफवाहें फैला दीजिए, या फिर मोदी साहब ऐसी अफवाहें फैला दीजिए कि आप ऑन रूट किसी भी रास्ते से फैदाबाद में दाखिल हो सकते हैं। मजाक नहीं कर रहा, कुछ घंटों में फैदाबाद शहर को जिस भी रूट से आपने अफवाह फैला दी, उस रूट को चकाचक और टनाटन बना दिया जाएगा। जो साल भर में काम नहीं हुआ, वो 24 घंटे में फैदाबाद प्रशासन करने की क्षमता रखता है। लेकिन जब तक किसी का खौफ, किसी का डर, अपनी नौकरी जाने का खतरा नहीं होगा, ये लोग काम नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ फाइलों में दिखाएंगे कि फैदाबाद चमक रहा है, फैदाबाद स्मार्ट हो रहा है। चाहे जनता की स्वास्थ्य से, जनता की हेल्थ से, इन्हें कुछ लेना देना नहीं है। आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ऐसी अफवाहें जरूर फैला दें, कोई भी झूठे मूठे बोल दें, ताकि प्रशासन ये सोच, ये मेन रोड पर जिस तरीके से कूड़ा कचरा जिस तरीके से फैला रखा है, या मेन रोड पर जिस तरीके फैदाबाद की इमेज को खराब कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। इसको सुधारने की आवश्यकता है। आपका पूरा हम स्वागत करते हैं अमित शाह जी, आप आए फैदाबाद के हालात को जरूर देखें। अगर ऑन रोड आते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ के लिए।